ABPS News। भारत एक कृषि प्रधान देश है। प्राचीन काल से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि ही रहा है। कृषि पर हमारी निर्भरता के साथ ही यह भी तथ्य हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि देश की 70% से भी अधिक जनसंख्या गांवों में ही निवास करती है। किसी कवि ने सत्य ही लिखा है, है अपना हिंदुस्तान कहाँ, यह बसा हमारे गाँवों में। अतः भारतवर्ष के महत्व का वास्तविक मूल्यांकन यहाँ के गाँवों से ही संभव है। उन्हें किसी भी दृष्टिकोण से पृथक नहीं किया जा सकता है। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था, परंतु विदेशियों के निरंतर आक्रमण तथा इसके पश्चात अंग्रेजों का आधिपत्य होने के उपरांत भारतीय गांवों की दशा अत्यंत दयनीय व सभी के लिए चिंता का विषय बन गई। जैसा पहले अंग्रेजों ने किया, तो अब यह कार्य यहाँ की सरकारें कर रही है। भारतीय गांव समय के साथ बेरोजगारी, अज्ञानता तथा पिछड़े मन का पर्याय बनकर रह गए हैं। भारतीय गांवों की दयनीय व जर्जर अवस्था के अनेक कारण हैं। यहां की मौजूदा सरकारों के साथ साथ जमींदारों व सेठ साहूकारों के निरंतर शोषण ने भी ग्रामीणों को उबरने का कभी अवसर प्रदान नहीं किया। देश के गांवों में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों से ग्रसित हैं। पुरानी परंपराओं तथा सामाजिक बंधनों ने उन्हें इस प्रकार जकड़ रखा है कि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के 5 दशकों के बाद भी विकास की प्रमुख धारा से स्वयं को पृथक किए हुए हैं। जातिवाद, भाषावाद जैसी विषमताएं आज भी उतनी ही प्रबल है जितनी वह पहले हुआ करती थी। झूठी सांस होकर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु कुछ लोग सामर्थ्य से अधिक कर्ज ले लेते हैं, जिससे वे जीवन पर्यंत चुकने में असमर्थ रहते हैं। गरीबी और अशिक्षा के कारण लोग निरंतर बच्चे पैदा करते रहते हैं, जो उनके जीवन स्तर को तो नीचे की ओर खींचता ही है, साथ ही साथ समुचित भरण पोषण व शिक्षा के अभाव में बच्चों के भविष्य को भी अंधकारमय बना देता है।